जयपुर में कुपोषण विषय पर यूनिसेफ की ओर से पोषण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यूनिसेफ और महिला एवं बाल विकास विभाग स्वास्थ्य विभाग संयुक्त के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला में पोषण 2 के अभियान के तहत राजस्थान को कुपोषण से मुक्ति करने के उपायों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान महिला बाल विकास विभाग के शासन सचिव के पाठक ने कहा कि कुपोषण का सबसे बड़ा कारण गरीबी और पोषण नहीं मिलता है। राज्य सरकार बच्चों तक पोषण भी भेज रही है, लेकिन जागरूकता की बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। इसी जागरूकता के लिए यूनिसेफ की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें कुपोषण कम करने के बचाव हेतु सुधार और समाधान पर चर्चा की गई। राज्य में लगभग 10% बच्चे अति कुपोषित हैं, और अगर कुपोषितों की संख्या को ले लें तो एक तिहाई से लेकर अलग अलग जिलों में एक चौथाई तक बच्चे कुपोषित हैं। समस्या उनके सामने गरीबी की भी है, जागरूकता की भी है, उनको पोषण न मिलने की भी है। राज्य सरकार अपने स्तर पर पोषण उपलब्ध कराता है, जो भी पोषण उनके पास तक पहुँचता है उनमें कहीं ना कहीं उसकी जागरूकता की भी कमी नज़र आती है। विभिन्न संस्थाएं अलग अलग स्तर पर निरंतर कार्य करती रही हैं। यूनिसेफ के द्वारा आज चिकित्सा विभाग और साथ साथ महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से एक सेमिनार संगोष्ठी रखी गई है, जिन समस्याओं से वे रूबरू हो रहे हैं और जिन समाधानों को हम उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, कैसे उनको हम बेहतर कर सकते हैं, कहाँ सुधार की गुंजाइश है, और उन लोगों तक जो एक माँ अपने बच्चे को निरंतर चाहती होगी कि वो स्वस्थ ही हो, निसंदेह कहीं ना कहीं हमारी जो पहुंच है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती होगी, उनके पास कुछ आर्थिक संकट भी होते होंगे, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए तमाम योजनाओं के अंतर्गत राशि का प्रावधान है। हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ नवाचार करते हुए इन चीज़ों को और बेहतर कर पाएँ। डॉक्टर्स भी हैं, वे लोग भी अपने अनुभव साझा करेंगे, किन जगहों पर हम कितने बेहतर हो पाए हैं उन अनुभवों को लेते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि और बेहतर हो। स्वास्थ्य विभाग और महिला और बाल विकास विभाग का एक संयुक्त प्रयास था, पोषण 2 इसको नाम दिया गया। ये बेसिकली जो कुपोषित बच्चे हैं उनको समुचित पोषण देकर किस तरह से माल न्यूट्रिशन से बाहर निकाला जाए, इसके लिए एक प्रयास किया गया था। इसमें इससे पहले 2015 में एक प्रयास किया गया था जिसे पोषण 1 का नाम दिया गया था। अभी विगत कुछ माह में 20 जिलों में 45 ब्लॉक में और करीबन 740 सब सेंटर के माध्यम से करीबन 3,00,000 से ज़्यादा बच्चों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 10,000 से ज़्यादा कुपोषित एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे पाए गए। उनको करीबन 12 सप्ताह का एनर्जी बेस्ड फूड सप्लीमेंट के माध्यम से पोषण दिया गया, उनकी काउंसलिंग की गई और उनको हाइजीन के बारे में बताया गया।